गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू। आज हम क्लास फाइव का लेसन टू पार्ट पढ़ेंगे और आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और जो होमवर्क देंगे उसको जो है बना करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे। तो चलिए सभी लोग अपना अपना बुक खोलिए और लेसन टू पार्ट आप लोग खोलें और क्लास फाइव के लोग जो लोग वन क्लास में थे अब टू क्लास में चले गए हैं, जो लोग टू क्लास में थे वे जो है थ्री क्लास में चले गए हैं, जो लोग थ्री क्लास में थे अब फोर क्लास में चले गए हैं, जो लोग फोर क्लास में थे अब वो जो है फाइव क्लास में चले गए। ऐसे करके आप लोग का एग्जाम नहीं होगा और आप लोग अगली कक्षा में परमोटेड कर दिए गए हैं। आइए हम देखते हैं क्लास फाइव लेसन टू का स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आपके बुक में लेसन टू में दिया है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीमी और नियमित गति से ही दौड़ जीती जाती है, समझ गए। यही आपका लेसन है, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। धीमी और नियमित गति से ही दौड़ जीती जा सकती है। आइए देखते हैं वी मेक फ्रेंड्स, हम मित्र बनाते हैं। ध्यान से आप लोग इस वीडियो को देखेंगे। वी मेक फ्रेंड्स, हम मित्र बनाते हैं। एनिमल्स आल्सो मेक फ्रेंड्स, पशु भी मित्र बनाते हैं। वंस देयर वेयर टू एनिमल्स, एक बार दो पशु थे। वंस देयर वेयर टू एनिमल्स, एक बार दो पशु थे। वंस वन वाज ए हेयर, एक खरगोश था। एंड द अदर वाज ए टॉर्टोइज, और दूसरा खरगोश था, सॉरी कछुआ था। वन वाज ए हेयर, एक खरगोश था। एंड द अदर वाज ए टॉर्टोइज, और दूसरा एक कछुआ था, समझ गए। माय डियर स्टूडेंट्स, बोथ ऑफ देम वेयर फास्ट फ्रेंड्स, दोनों ही घनिष्ठ मित्र थे, अच्छे मित्र थे, घनिष्ठ मित्र थे। बोथ ऑफ देम वेयर फास्ट फ्रेंड्स, दोनों घनिष्ठ मित्र थे। वन डे द हेयर सेड टू टॉर्टोइज, एक दिन खरगोश कछुए से कहा, क्या भाई। वन डे द हेयर सेड टू टॉर्टोइज, एक दिन कछुए खरगोश कछुए से कहा, क्या कहा भाई। आई कैन रन फास्टर देन यू, आई कैन रन फास्टर देन यू, मैं तुमसे अधिक तेज दौड़ सकता हूं, मैं तुमसे, आई कैन रन फास्टर देन यू, मैं तुमसे अधिक तेज दौड़ सकता हूं। किसने कहा, हेयर यानी कि खरगोश ने कहा।
कछुए से। तो अब देखिए अब टोर्टोइस क्या कहता है, द टोर्टोइस आल्सो से खरगोश ने कछुए ने भी कहा, द टोर्टोइस आल्सो से कछुए ने भी कहा, क्या कहा, आई कैन रन फास्टर देन यू, आई कैन रन फास्टर देन यू, मैं भी तुमसे तेज दौड़ सकता हूँ। तो देखिए सो दी रेस, इसलिए उन्होंने सो दी ए रेस, इसलिए उन्होंने एक दौड़ लगाने का निश्चय किया, क्या क्या सो दी ए रेस, उन्होंने एक दौड़ लगाने का निश्चय किया। द नेक्स्ट डे दी रिच्ड ए रिवर बैंक, द नेक्स्ट डे दी रिच्ड ए रिवर बैंक, अगले दिन एक नदी के किनारे पहुंचे वे दोनों जो है टोर्टोइस और हेयर। द नेक्स्ट डे दी रिच्ड ए रिवर बैंक, वे अगले दिन वे दोनों एक नदी के किनारे पहुंचे। इट वाज मॉर्निंग, सुबह का समय था। दी decided to run to hut, उन्होंने एक झोपड़ी तक दौड़ने का निश्चय किया। They decided to run to hut, उन्होंने एक झोपड़ी तक दौड़ने का निश्चय किया। देखिए कोई भी चिन्ह होता है कि यहां से हम दौड़ेंगे तो कोई चिन्ह लगा देंगे कि यहाँ झोपड़ी है, चाहे घर है, इस घर से उस घर तक कौन लोग सबसे पहले दौड़ करके जाएंगे, जो सबसे पहले दौड़ेंगे वे विनर होंगे। तो उन लोगों ने झोपड़ी से दौड़ना प्रारंभ किया। दी डिसाइडेड टू रन टू हट, उन्होंने एक झोपड़ी तक दौड़ने का निश्चय किया कि अगली झोपड़ी तक जो पहले पहुंचेगा वे विनर होगा। बोथ ऑफ देम स्टार्टेड टू रन एट द सम टाइम, बोथ ऑफ देम स्टार्टेड टू रन एट सम टाइम, दोनों ने एक ही समय में दौड़ना आरंभ किया। Both of them started to run at the same time, दोनों एक ही समय में दौड़ना प्रारंभ किया। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। The tortoise was running slowly, कछुआ धीमी दौड़ रहा था। द टोर्टोइस वाज रनिंग, कछुआ धीमी दौड़ रहा था, यानी धीरे धीरे दौड़ रहा था। बट द हेयर वाज रनिंग फास्ट, लेकिन खरगोश तेज दौड़ रहा था। बट द हेयर वाज रनिंग फास्ट, खरगोश लेकिन खरगोश तेज दौड़ रहा था। He went to further from the tortoise. He went to further from the tortoise. वह कछुए से बहुत आगे निकल गया। He went to further from the tortoise. वह कछुए से बहुत आगे निकल गया। कौन निकल गया, खरगोश।
खरगोश निकल गया। ही सेट अंडर ए ट्री, ही सेट अंडर, ही सेट अंडर ए ट्री, वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। खरगोश जो है कछुए से बहुत आगे निकल गया, तो आगे जा करके एक पेड़ के, एक पेड़ था, उस पेड़ के नीचे जो है खरगोश बैठ गया। अब देखिए, ही सेट अंडर द ट्री, वह पेड़ के नीचे बैठ गया। साउंड ही फेल एज स्लीप देयर, साउंड वह जल्दी ही वहां सो गया। Soon he fell asleep there. वह जल्दी वहां सो गया। कौन सो गया? खरगोश, जो पेड़ के नीचे बैठा था। अच्छी हवा लगी तो soon he fell asleep there. वह जल्दी ही पेड़ के नीचे सो गया। उसके बाद क्या? The tortoise did not stop. कछुआ रुका नहीं। The tortoise did not stop anywhere and after some time run past the place. The tortoise did not stop. कछुआ कहीं भी नहीं रुका. Where and after some time run past the place. देखिए मेरे प्यारे बच्चों, द टर्टोइज डिड नॉट स्टॉप, कछुआ कहीं भी नहीं रुका। एनीवेयर एंड आफ्टर सम टाइम रन पास्ट द प्लेस वेयर द हेयर वाज एस्लीप, कछुआ चलता रहा धीरे धीरे, वो रास्ते से अपने चलता रहा और उस रास्ते से होकर के गुजरा जहां जो है एक खरगोश सोया हुआ था। बट लेकिन द हेयर स्लिप्ड ऑन वेरी पेसफुली, लेकिन खरगोश शांतिपूर्वक सोता रहा। बट लेकिन द हेयर स्लिप्ड ऑन वेरी पेसफुली, खरगोश शांतिपूर्वक सोता रहा। एट लास्ट वेन द हेयर वकअप, और अंत में खरगोश जगा तो। एट लास्ट वेन द हेयर वकअप द टर्टोइज एंड रीच्ड नियर द हार्ट। एट लास्ट अंत में वेन द हेयर वकअप, खरगोश जगा तो देखा द टर्टोइज हैड रीच्ड नियर द हार्ट, जगह को देखा, क्या देखा? झोपड़ी के निकट पहुंच चुका था। कौन? कछुआ। कछुआ झोपड़ी के नजदीक पहुंच चुका था। इस तरह से द हेयर वाक नाउ रन एज स्विफ्ट एज ही कॉल्ड, बट ही कॉल्ड नॉट ओवरटेक द टर्टोइज, किंतु समय पर कछुआ से आगे नहीं निकल सका। समझ रहे हैं ना? समय पर कछुआ से आगे नहीं निकल सका और कछुआ जो है धीरे धीरे अपना जो है हट एंड झोपड़ी के नीचे पहुंच गया। ऑलवेज रिमेम्बर, सदैव याद रखिए, ऑलवेज रिमेम्बर, सदैव याद रखिए। क्या? स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस,
धीमी और नियमित गति से ही रेस दौड़ जीती जा सकती है। आप लोग समझ गए। अभी हम जो है इस पाठ पर आधारित अभी होमवर्क देंगे और उस होमवर्क को हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे। ये आपको जो है होमवर्क हम दिए हैं। आप लोग जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करके और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप सेंड कर देंगे। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पर सॉल्व करेंगे पेपर लेकर के और उस पर आंसर को हल करके और इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज देंगे और हम जांच करके आप लोगों को बता देंगे। थैंक यू।